कि अतिथि खिलाड़ी फिर से धुआंधार बढ़त हासिल कर रहे हैं, जिसे देखकर अकल और मन औचक्के हैं। हे गाइस, रेस अभी भी बाकी है। मन, अब बाकी का खेल हमें तेजी से पूरा करना चाहिए। लेकिन ये क्या, अचानक अकल ने गति का प्रयोग किया और बिजली की तरह बहुत आगे निकल गए हैं। अब देखते हैं आगे क्या होगा। तुम्हें क्या लगा था बालपरी कि खेल लोक में आकर अकल और मंद को हरा देंगे तुम्हारी विवान और आरोही? तिमनासा, दया आती है मुझे तुम पर। हमेशा जीत मिलने से पहले ही खुशी मना लेती हो, पर रुक जाओ, अभी भी वक्त बाकी है। दया तो मुझे भी तुम पर आ रही है बालपरी, कि आज तुम अपना सम्मान और दोनों बालवीर सब कुछ खो दोगे। भैमार के हाथों में वो हथकड़ियां लगी है, वो भाग कर कालोक वापस नहीं लौट सकता। इसीलिए हमें भैमार को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। हाँ, क्योंकि अगर भैमार हैंड्स फ्री हुआ तो वो परीक्षा नियंत्र के साथ धरती से भी फ्री हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, मैं और ध्वनि परी इस दिशा में जाते हैं भैमार के पीछे, और तुम इस दिशा में चली जाओ। एक तरीका है इन हथकड़ियों से छुटकारा पाने का। मुझे ढूंढ रही हो परियों? भैमार, बताओ यंत्र कहाँ है? यंत्र तुम्हें नहीं मिलेगा। धन्यवाद परियों, आज तुम्हारी शक्ति से मैंने तुम्हें ही मात दे दी। मेरी शक्तियां देखोगी? भैया ने कहा था कि तेजी से बाकी की दौड़ पूरी करनी। अच्छा, अब हम ये क्या देख रहे हैं? मंद ने अचानक उड़ान दौड़ रोककर जंगल की सैर शुरू कर दी है, जबकि अकल तेजी से बढ़ता जा रहा है। ये क्या, मंद कहाँ है? मैंने जरूर मेरी बात का कोई गलत मतलब निकाला होगा। अरे, ये मन जमीन पे की दौड़ रहा है। आरोही, ये मन सिर्फ पैरों से फास्ट है और दिमाग से स्लो, उसके ऊपर ध्यान मत दो। बहुत ही चौंकाने वाले परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं। अक्ल तो अंतिम रेखा पर पहुंच चुके हैं, लेकिन मंद का दूर दूर तक पता नहीं है। जबकि अतिथि पक्ष के दोनों खिलाड़ी छोटा बालवीर और आरोही अब अंतिम रेखा के करीब पहुँच रहे हैं। अब चलो। अकल और मन अब अपनी महारत का असली प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। नीचे गिरने के बाद भी उन दोनों ने दौड़ में बढ़त प्राप्त कर ली है। लेकिन छोटा बालवीर और आरोही भी कम नहीं है। दोनों कांटे की टक्कर दे रहे हैं और मुकाबला बहुत ही दिल धड़काऊ, जान कपाऊ हो रहा है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। We'll be right back.
क्या? अकल और मंद ने बालवीर और आरोही को पीछे छोड़ दिया। विवान, हिम्मत रखो, तुम कर पाओगे। चारों ही प्रतियोगी अपने जीत के बिल्कुल ही करीब हैं। अब देखते हैं कि कौन जीतता है। ये खेल हमें जीतना ही होगा विवान। रे, रे, अब तुम अपनी धोखा देने की काबिलियत दिखा सकते हो। श्योर को इंतमनासा। क्यों गुड किड्स? लाइफ में गुड फीलिंग नहीं आ रही है क्या? अब कौन सी नई शैतानी करने वाले हो तुम दोनों? ऐसी शैतानी कि तुम लोग अगले एक घंटे तक रोते रहोगे। रेड मिर्ची पाउडर। यस। वाह खुशी। अरे कहाँ जा रही हूँ? सॉरी अंकल, सॉरी अंकल। अरे यार, ये खुशियाँ सुनी फिर भाग गए। कोई बात नहीं भैया, ये बॉक्स तो अटक गया ना। तो ये मुझे तो कितना सुंदर बॉक्स है ना चिंटी। भैया इसमें देखना क्या है? रुक जा चिंटू, लॉस प्रॉपर्टी को उसके ओनर को वापस कर देना चाहिए। ये पहले लॉस प्रॉपर्टी था लेकिन अभी मुझे मिल गया, तो इसका ओनर कौन हुआ? मैं। तब ये बॉक्स मेरा हो गया। अगर तूने लॉस प्रॉपर्टी वापस नहीं की तो मैं तो क्या बालवीर को बुलाओगे? बालवीर को बुलाओगे? कैसे बुलाओगे बालवीर को? बालवीर तो अब हमारी टीम में है। हम तो ये बॉक्स खोल रहे। खोलो भैया। ये क्या? अचानक मन का संतुलन उड़ान झाड़ू से छूट गया है और वो सीधा नीचे खाई में गिर रहा है। अब अतिथि जोड़ी को जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन ये क्या? जीत से सिर्फ चंद कदमों की दूरी पर छोटा बालवीर मंद की जान बचाने जा रहा है। असली खेल भावना का बेहतरीन नमूना प्रस्तुत किया है छोटे बालवीर ने। ये बॉक्स तुम्हारे पास कैसे? लाओ दो मुझे। नहीं, ये बॉक्स हमारा है, तो हम आपको नहीं देंगे। हाँ। देखो तुम लोग अच्छे बच्चे हो ना, गुड किड्स की तरह मुझे ये बॉक्स दे दो। लाओ। नहीं, नहीं देंगे। नहीं दोगे? नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। डोंट वरी किड्स, ये बॉक्स जिसकी भी लॉस प्रॉपर्टी है उस तक मैं इसे पहुंचा दूंगी। पर अगर बालवीर ने हमें अच्छा काम करने के लिए पनिश किया तो? अच्छे काम करने का फल हमेशा अच्छा होता है। मैं बालवीर से बात करूंगी, तुम लोग जाओ अभी घर। उन गुड किड्स ने फिर से हमें चकमा दे दिया। इतना प्यारा बॉक्स मिला था लेकिन वो भी परी ने छीन लिया। बालवीर, 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 प्लीज आइए।
तो परीक्षण यंत्र फिर से अनन्या को मिल गया। तुम चाहते तो इस प्रतियोगिता को जीत सकते थे, पर फिर भी तुमने मंद की जान बचाई। क्यों? क्योंकि अच्छाई की यही ताकत है कि बुराई के साथ भी बुरा बर्ताव नहीं कर सकती। और दूसरी बात ये कि बड़े बालवीर अपने जूनियर को प्यार से छोटे भैया ही बुलाते हैं। भाई का प्यार क्या होता है ये मैं अच्छे से जानता हूँ। और अब मैं भी समझ गया हूँ तुम्हें अपने बड़े भाई को खोकर कितना दर्द हो रहा होगा। और अब मैं भी समझ गया हूँ हमें विवान और आरोही को ये प्रतियोगिता जीती देनी चाहिए, है ना? बिल्कुल अकलमंदी की बात की, मुझे भी बिल्कुल यही लगता है। ये ले विवान, जाओ ले जाओ अपने बड़े भाई को। आसमान में तो सिर्फ विवान और आरोही उड़ रहे हैं, कहाँ है अकल और मंद? लगता है इस रेस का फैसला हो गया है। तिमनासा वो नहीं जिसका दिल दया और भाई का प्यार देखकर पिघल जाए। अब ये क्या, तिमनासा अपनी जादुई शक्ति की मदद से अतिथि जोड़ी की जीत के रास्ते में अटकलें डालती हुई नजर आ रही है। What the hell? क्या पे आगे को ले कहां से गिरने लग गए? ये टिम्मी आंटी का फ्रस्ट्रेशन है। विजेता है छोटा बालवीर और आरोही। ये खेल की शर्त के मुताबिक अब बालवीर अपने वास्तविक रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तुम्हें पता है ना अकल और मंद के तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। अपने भाई के लिए मैं कोई भी सजा पाने के लिए तैयार हूं टिम्नासा। मैया बालवीर विवान आरोही बहुत खूब। बालवीर विवान इससे पहले कि तिमनासा अपने हार का बदला लेने की कोशिश करे हमें यहां से निकल जाना चाहिए। विवान आरोही अब जिस तरह तुम दोनों ने इस खेल को खेलकर अकल और मन से मेरी जान बचाई उसके लिए मैं तुम दोनों का बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू। बालवीर जितनी बार आपने बच्चों की हेल्प की है अगर उसके बदले में हम थैंक यू बोलने लग जाएं तो 100 साल लग जाएंगे। सलमान भाई ने कहा
कि फ्रेंडशिप में नो सॉरी नो थैंक यू. बिल्कुल सही जूनियर. मुझे जूनियर मत बोलो. झगड़ना बंद करो और आरोही अब तुम अपने घर पर जाओ. तुम्हारे माता पिता इंतजार कर रहे होंगे. ओके बाय बाय बाजी. बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस के लिए थैंक यू. मिलते हैं. आई होप कि जब आरोही अपने घर पहुंचे तो उसको इस अमेजिंग एक्सपीरियंस के बारे में कुछ याद ना हो. और वैसे मुझे थोड़ी देर के लिए तो ऐसा लगा जैसे मैं अपने बड़े भैया अपने दोस्त अपने गुरु को खोने वाला हूँ. अब इतनी आसानी से मैं तुम्हारे पीछे नहीं छूटने वाला विवान. करीब अगले 100-200 साल तक तो मैं तुम्हारे साथ ही हूँ. इसलिए चिंता मत करो. भगवान करे तुम दोनों का प्यार हमेशा ऐसे ही बना रहे. एक तरफ ये परीक्षण यंत्र और दूसरी तरफ इन बच्चों की जान और बालवीर की इज्जत. चुनो ना नया समय नहीं है तुम्हारे पास. प्लीज हमें छोड़ दीजिए. वो परीक्षा नियंत्रण ले गया. उसके बारे में हम बाद में सोचेंगे. पार्टनर ये बॉम्ब्स ब्लास्ट होने वाले हैं. अरे रिलैक्स गुड किड्स को बालवीर कैसे पनिशमेंट दे सकते हैं. हाँ बच्चों जिससे तुम्हें परेशान किया था वो मेरा बहरो पिया था मैंने. सॉरी बालवीर हम असली और नकली बालवीर में फर्क नहीं कर पाए. कोई बात नहीं. बालवीर हम तो आपको ढूंढ रहे थे. अच्छा अब यहाँ मिल गए. लॉन्ग लिव पराई. अब तुम लोगों को फिर से पनिशमेंट मिलेगी. लेकिन सजा तो बुरे बच्चों को मिलती है ना. सुना तुम लोगों ने पनिशमेंट सिर्फ बैड किड्स को मिलती है. क्या क्या ज्यादा मेलो ड्रामा मत करो चिंटू और जल्दी से इन दोनों को सॉरी बोल. बालवीर अब हमारा टेस्ट ले देना कि हम कहीं बुराई के रास्ते से डर के मारे भटक ना जाए. लेकिन आई प्रॉमिस यू कि हम बुरे थे बुरे हैं और बुरे रहेंगे. लॉन्ग लिव बुराई. लेकिन अगर मैं तुम दोनों को कहूँ कि इनको तुम्हें सॉरी बोलना ही पड़ेगा तो. और अगर हम सॉरी ना बोले तो. सॉरी खुशी सॉरी सुतली सॉरी खुशी सॉरी सुतली. रोली सॉरी बालपरी मैं वो परीक्षण यंत्र अपने पास सेफली नहीं रख सकी. गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं अनन्या हमारी भी है. हम भैमार के चाल को समझ ही नहीं पाए. परियो इतना अधिक निराश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर तिमनासा ने हमसे वो परीक्षण यंत्र छीन लिया है तो हमने भी अकल और मंद के बीच वापस पा लिए हैं. ये देखिए अच्छाई की असली शक्ति यही होती है कि वो बुरे को भी अच्छा बना देती है. जैसे आज हमने खेललोक में देखा अकल ने खुद जीत विवान को दे दी. ट्रू दैट बालपरी. लेकिन ये बात तिमनासा पर फिट नहीं होती क्योंकि वो खुद ही अच्छा नहीं बनना चाहती.
उससे तो छीन कर यह परीक्षण यंत्र हमें वापस लेकर आना होगा। परी का भेजा हुआ इंद्रधनुष तो मैंने तोड़ दिया। अब जब तक मैं बालवीर और उस छोटे बालवीर की जीवन की डोर नहीं काट देती, तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। भैरानी, आप गुस्से की बेचैनी का घूंट पी रही हैं, लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं बहुत जल्दी ही दोनों बालवीरों के खून की घूंट पीऊंगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.